यूबी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं बना रहा हूँ पेन किलर ऑयल। तिलों का तेल, सरसों का तेल और लहसुन, अजवाइन, दालचीनी और लौंग, उन सबको मिक्स करके बराबर बराबर, ये मैंने लिया है तिल का तेल, ठीक है, आधी शीशी लिया मैंने 800 ml के, ये 400 ml तिल का तेल लिया मैंने, 400 ml मैंने सरसों का तेल लिया है, ठीक है। अजवाइन लिए मैंने 20 ग्राम, मेथी लिए 10 ग्राम, लहसुन की एक पूरी पोथी लिए, लहसुन का एक गांठ है उसे छील के, एक प्याज को लहसुन के उसकी सारी पोथियाँ छील के लिए मैंने, गांठे सारी छीन लिए, काट लिए, उन्हें लिए हैं, लौंग लिए हैं 8-10, दालचीनी, ठीक है, अजवाइन, ये सब मिक्स करके मैंने तेल में, ये तेल में मैंने फल आ लिए, ये तेल में फल लिए, देखिए तेल में खोल लेंगे, इन सब को हम काला कर लेंगे, इसमें बिल्कुल सर्त हो गए, जब लहसुन की कलिया हुई, ये लहसुन की कलिया काली हो जाएंगी ना, बिल्कुल डार्क, बिल्कुल जल जाएंगी, इसे स्लो आंच पे करना है, इंडक्शन टाइम में स्लो आंच पे कर रखा है, तो ये सारे काले हो जाएंगे, फिर इसकी हम हल्के हल्के मालिश कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, इसमें हाथों में पेन पे लगा के, टांग में, बच्चे को अगर नमूनिया हो तो उसकी छाती पे हल्का सा लेके और लगा के छाती पे और ढक दें। मेरी माँ बताती थी, तो मेरी माँ दुनिया से चली गई, अल्लाह से जन्नत नसीब करे, तो मेरी माँ मुझे यही फार्मूला बताती थी, बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है, तो मैं अभी यही बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत हाथों में ना पता नहीं क्या हो गया, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ हाथों में, फिंगर में, तो मैं यही बना रहा हूँ तेल। मैंने सोचा क्यों ना और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए, तो ये मैं खुद से बना रहा हूँ, देखेगा, ये स्लो आँच पे कर रहा हूँ मैं, कम फ्लेम पे, यानी कि मैं इंडक्शन पे करा रहा हूँ, आप अगर गैस पे करेंगे तो कम फ्लेम पे करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिएगा मैं इसे स्लो आँच पे कर रहा हूँ, इसमें अजवाइन है, लहसुन है, लौंग है, दालचीनी है, ठीक है दोस्तों, मेथी दाना है, ये लहसुन जब बिल्कुल काला हो जाएगा, स्लो आँच पे ही कर रहा हूँ मैं, स्लो उस पर, क्योंकि इसमें ज़्यादा इसका अर्क जूस जो है सारा इसमें निकल जाएगा, तो जब इसमें जूस हो जाएगा फिर इसे 1 घंटा इसे ठंडा होने देंगे, फिर इसे छन्नी से छान के सेफ, बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा बोतल में रख लेंगे, फिर जैसे इस्तेमाल करना हल्का सा गुनगुना करा ना के बराबर, और फिर उसकी मालिश करनी है दर्द वाली जगह पर, घुटनों पे, पैरों में, हाथों में, कंधों पे, ठीक है दोस्तों। ये हम कर रहे हैं काम, ये भी वर्क हो रहा है, देखिएगा दोस्तों, दोस्तों जो है ना मैं अपने किचन में हूँ, काम कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, क्या हो गया सूफिया, कौन कर रहा है परेशान, क्यों कर रहा है भाई परेशान, मिस्टर बीन, ये देखो ये परेशान कर रहा है हमारा मिस्टर बीन मोहम्मद यूसुफ, इसे सूफिया सारों को, मिनी बाहुबली को हमारी, ये देखो चीकू खा रही है, वाओ वाओ चीकू खा रही है, वाओ मम्मा मेरे बाल खींच रहे, इसके बाल खींच रहा भाई, इसके बाल ना खींचे बेचारे, रोने को हो रहा है भाई बेचारे का, देखो तो मुंह देखो, इसका मुंह देखने लायक है, क्या मुंह देखने लायक है भाई, देखो तो यार ऐसे करना जैसा करना तो कर ले, ये देखो मिस्टर बीन बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये फनी वीडियो बनाया करेंगे मिस्टर मोहम्मद यूसुफ, मिस्टर बीन बना हुआ था, ये देखो ये भी आंखें बंद करके ना सोच रहे हैं क्या करना है मुझे एक आंख खोल के देखो मस्ती चढ़ रही है, वीडियो बन रही है, देखो ये देखो सूफिया सारा को इनके भैया छेड़ के चले गए, ये देखो अंदर ही अंदर आंखें झुका के हंस रही है, रो रही है, पता नहीं मुझे, मैंने कहा था मौके की तलाश, ये देखो मौके की तलाश में भैया अपना काम करके चले गए, ये सूफिया सारा देखो चाकू लेके चीकू लेके मुझे खिलाने की तैयारी बैठी है, लाओ मुझे खिला दीजिए, आप रोते रहिए मैं खा लेता हूँ, ठीक है, अच्छे बच्चे ऐसे ही रोते हैं, वाह वाह थैंक यू, ये रो रहे हैं तो हम रोने का फायदा उठा लें, हमने इनके चीकू हाथ से उठा के खा लिया, ये देखिए इनका मुंह देखने लायक है, वाह बड़े बड़े सांस ले रही है, मंकी की तरह सांस ले रही है, ये देखो ये छोटी मंकन है हमारी, हेलो वाह क्या खा रहे हैं आप,
वाओ चीकू खा रही है सूफिया सारा। ये मिट्टू भैया सो रहे हैं। मिट्टू आओ आ जाओ बैठ जाओ। तो अभी हम जो है वेट कर रहे थे इसलिए हम उधर घर की तरफ चले गए। अभी हम जो है हमारा ये ऑयल ऑयल बन रहा है। देखो ये हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। ये ब्राउन हो गया है लहसुन। जब ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा डार्क काला हो जाएगा जल जाएगा इसमें जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ठंडा करने के बाद एक घंटा बिल्कुल जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए यहाँ भी लगाना है हल्का हल्का चाय हाथों पैरों पर हल्की हल्की सिकाई कर लेंगे। हम नहीं सिकाई करेंगे तो हल्का सा तेल गुनगुना कर लेंगे। बच्चे के लगा सकते हैं निमोनिया हो जाए बच्चे को सर्दी हो जाए ठीक है जहाँ पर दर्द हो वहाँ पर इसकी मालिश की जाए। और फिर तुरंत गर्म कपड़ा है कि कोई कपड़े से ढक देंगे ताकि हवा ना लगे पंखा ना चलाएं हिफाजत ये रहती है। ये सूफिया सारा का हमारा मूड सही हो गया। ये हमारी सूफिया सारा है अब इसका मूड सही हो गया। भैया इसे छिड़ के गए थे भैया जो है इन्हें छिड़ के गए थे इनकी भैया की बहन की दोनों की 36 का आंकड़ा रहता है ठीक है। ये मैं बिस्लरी की बोतल आज लेके आया हूँ। पहले ये 60 रुपये की आती थी अब ये 100 रुपये की हो गई होते होते महंगाई दर पर दर बढ़ती है। सिलेंडर के भी रेट 50 रुपये बढ़ गए हैं। और मिट्टू राजा देखो आ गए हैं आओ इधर आ जाओ हाँ इधर बैठो मिट्टू ये बैठ जाओ चलो बैठ जाओ। ये मिट्टू राजा भी बैठे हैं किचन में हमारे। ये लहसुन देखो ये स्लो लो फ्लेम पे ही करना है हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करना है। ये हल्का हल्का काला होता जा रहा है देखो ठीक है। तो जब ये तैयार हो जाएगा ना बिल्कुल ये मैं इसको दिखाऊंगा आपको। फिर इसे लोहे की छन्नी में छान के बिल्कुल जिसे कहते थे बड़े बूढ़े कपड़ छन यानी कि कपड़े में छान लिया बिल्कुल इसमें गाद ना रहे। साफ तेल निकालने के लिए पहले इसे छन्नी में छान लेंगे फिर चाहे इसे कपड़े में करके छान लीजिए किसी बारी और नहीं तो छन्नी में छान के रख लीजिए बोतल में फिर इसलिए वो बैठ जाती है। ये देखो सूफिया सारा लड्डू ले आई है मोतीचूर का। और ये देखिए मैं पापा से बोल रही हूं पानी के लिए प्लांट धो के दे दीजिए। बहन से कंगल वालो बहन कंगल देगी मेरे हाथ मुझे सरसों का तेल बना रहा हूँ ना मैं। बैठ करके वाटर पीते ये बैठ जाओ। ये देखिएगा भाई ये काला होना शुरू हो गया। ये मेरे पापा हैं प्यारे से मिट्टू को छेड़ रहा है। मिट्टू को कौन छेड़ रहा है भाई मिट्टू को कौन छेड़ रहा है इधर को जाओ करो। ये तो मेरे पापा हैं। क्या हो गया मिट्टू क्या कह रही सर लेना करना सर लेना दोबारा। ये तो मेरे पापा हैं। क्या हो गया मिट्टू गुस्सा आ रहा है सलीना तंग कर रही है पापा कह रही है वो। ये तो मेरे पापा हैं। यहाँ को करो इधर को। ये तो मेरे पापा हैं। देखो मिट्टू किसी को नहीं कहने देता कि हाँ भाई ये मेरे पापा हैं। ये तो मेरे पापा हैं। बस मेरे हैं। ठीक है दोस्तों देखो ये हमारा लहसुन का जो है ये धुआं उठ रहा है ये काला हो चुका है तो मैंने एग्जॉस्ट चला रखा है इसलिए धुआं बाहर जा रहा है। ये काला हो चुका है कुछ सफ़ेद है छिलका पड़ा है सफ़ेद काला हो चुका है। जब ये बिल्कुल काला हो जाएगा तो फिर हम इसे छान लेंगे। बहुत हिफाजत के हिसाब से ध्यान से रखना है बिल्कुल हाथ नहीं चलाना है जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है बहुत सेफ्टी से ध्यान से काम करना है। लगभग मैंने इसमें एक पाव सरसों का तेल हो गया एक पाव तिलों का तेल हो गया
और लहसुन, एक गांठ हो गई पूरी लहसुन की। मेथी दाना लिया है, दालचीनी ली है, लौंग लिए हैं चार पांच, सबको इन्हें इसमें डाल के इसमें पका लेना है अच्छे से। बिल्कुल पकाने के बाद बिल्कुल अच्छे से ठंडा करना है, एक घंटा इंतज़ार करना है। बिल्कुल जब ठंडा हो जाए, जल हाथ ना जले, फिर इसे किसी चीज़ में छान करके रख लीजिएगा सेफ। घुटनों पे मालिश करें, तलवों पे मालिश करें, टांगों पे, कमर पे, जहाँ भी पेन हो वहाँ पर, हो सकता है आपको आराम हो, आप यूज़ करके देख सकते हैं। मेरी माँ मुझे बताती थी ऐसे बच्चों के करती थी हमारे, तो हमें पता है इस नुस्खे का। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए प्लीज़, दोस्तों शेयर कर लीजिएगा प्लीज़, सपोर्ट कीजिए। ओके बाय बाय। देखिएगा हमारा तेल बन के रेडी है बिल्कुल, अब मैं इसे बंद कर दूंगा, इसे छान के इंतज़ार करूंगा एक घंटे बाद। ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ दोस्तों, हेल्प कीजिएगा।